आप लोग एक अभी आप लोगों को जरूरत है, आप लोग उस फैमिली को हेल्प करें, उस फैमिली को जरूर करेंगे सर। मेडिकल काउंसलिंग चाहिए, डॉक्टर का हेल्प चाहिए, मेडिकल काउंसलिंग चाहिए, और उसके पास उसको लीगल जो है ना एडवाइस चाहिए, लीगल सपोर्ट चाहिए होगा। आप लोग कहेंगे आपको वो करें, हम लोग अपना काम यहाँ से पूरा कर रहे हैं, और आप लोग हम लोग को यही रिक्वेस्ट है, आप लोग हम लोग को वो काम करने के लिए स्पेस दीजिए, ठीक है। दो दिन में आप लोगों का तीनों जो है ना जो एक्यूज जेज में अरेस्ट हो रखा है, जितने बायोलॉजिकल एविडेंसेस है सब है, सब सील हो रखा है। अभी अब हम लोग को थोड़ा टाइम दीजिए, अगर हम लोग ऐसे ही एंगेज रहे तो हम लोग को डिले होते रहेगा, जैसे आप लोग को बाहर ही बताया गया था, आज ही हम लोग को ना फॉरेंसिक को हम लोग को सामान भेजना था, एंगेज हो सर। अभी जो अभी जो कम्प्लेंट आ रहा है, पॉक्सो के प्रोविजंस भी है, और ये दो प्रोविजंस बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन सॉलिड ये हुआ है, एविडेंसेस भी सॉलिड है और बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो कहीं भी आप लोग इन्वेस्टिगेशन करने का चाहते हैं। हमें जान गया जिला एफआईआर हमें खूब दे दी girls was near the shop and they came with car, they lift up her and they took to Panasagar Physical College there, they left and they left there. Attempt to that is the second time. Manpuri Rai Andy. Manpuri Rai. Kuchung Manpuri Rai. Kuchung Manpuri Rai. Amura Manpuri Rai. Sir, nangat ka sunadi. Nangat Manpuri Rai.
ना पुरी ना और अम्मावन पुरी रो हमारे तो मैं घरों के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, तो आप हमारे से बेहतर आप लोग जानते हो, तो प्लीज आप हमें सुना दीजिए कि इसमें क्या क्या धाराएं लगाई है, क्या क्या लगा है। मंसूर रहो मंसूर रहो मंसूर रहो मंसूर रहो मंसूर रहो अन्नी सोना ने ठीक है ये सारा से रंगा रहो रंगा रहो रंगा रहो रंगा रहो रंगा रहो वीडियो सदा एकदम साइलेंट 342 रंगपुर रस्ते একটু জোরে বল তারা শুনতো রংপুর রাস্তে রংপুর রাস্তে আমার বলো বলো ঠিক আছে স্যার রংপুর রাস্তে কিডন্যাপিং হল 363 কিডন্যাপিং হয়েছে তো হ্যাঁ কিডন্যাপিং আছে তারপর র‍্যাপ হল 376 ঠিক ঠিক আছে তো 376 পক্সো আছে পক্সো যারা ছিল বাজার থেকে পক্সো আছে ফোর অফ পক্সো এই গ্রুপ আমি যা আইনে আছে এটা আমি লাগা দিয়েছি ঠিক আছে এর এর মধ্যে দিয়ে আমি তিনজন অ্যারেস্ট আর আসামি অ্যারেস্ট করেছে তারপরে জেলে পাঠানো হবে तो काइंडली आप थोड़ा डिस्पर्स हो जाएं ना प्लीज संगत में जाए रोको फोटो नंबर लाओ मैं फोटो प्रशासन कौन है तीन हजार में इमाइ दो ठीक है इमान चार्जेस ऑम सेफ जी तीन जतन जो इन्हें इमान के कम इंजन ने ठीक है इमान इमान निर्से इमान निर्से इतना मी के क्या निर्से इनखाइना एंड कते इतने दे यार इनखाइना एंड कते इतने जाए इतना मी के कॉरिन रेटनोर से इमान चंग है नंदन मत थई जाय कोरिन जे नर से नर मुजे थई नर से मा पुचंग हे हमर ती तीन से काम नंतांग मी कानी एंखाइ ना एन कती तीन से हा निमा इमा जान अनि तां ती थारन सा हे तो एरे तुम तो पुलिस ने अनमजी जे पु चार्जशीट अनमजी पु के कोते ने रेल रंगा आवाज के नन्नी अनमजी के जे रजाइन तुम सम्मानली के ने आईपीसी रजाइन तुम समरूप इनथुम हमादेला रजाइन तुम सांसारिक आरोप रजाइन तुम सांसारिक आरोप दी हमारा अनमजीक अनमजीक दान इंचो तुंते नाचो अथिना अथतना जितनी ओ अन्य रंग अकाय नो कि हम अजीबन बोराई अम्र रंग नागत इंसुंग अन्य अकाय नो कि हम अजीबन खाते यम्र बस बस ठीक है तो लाने मार लासे नॉर्वे शूटिंग अलार्म कॉल हम आई थी लासे नॉर्वे মায়ের দর্শন করছে তিন যুবক নাম রাজেশ রুদ্রপাল ড্রাইভার শুভ সেন একজন পারাদার মানে গাইড নাম সঞ্জয় দাস সম্ভবত সঞ্জয় দাস নাম তারা তিনজন মিলিয়ে গ্যাংরেপ সাবি করছে যারা নির্দিষ্ট পোশাক নাই তাদেরকে ট্রাইবেল বলা যায় বর্তমানে যা বুঝি ট্রাইবেল উপজাতি হিসাবে গুছিত করা হয়েছে এখন আমরা চাই যে অথর্ব একটা শাস্তি হোক বা শাস্তি চাই আমরা আর বিনিময় আরও মেয়েটার জীবন যেন একজন ছাত্র ক্লাস নাইন পড়ুয়া একজন মহিলা মায়ে 14 বছর বয়স ওখানে তার লাইফ কোনো কিছু হয়নি ওখানে তার লাইফ এখন কে দেখা করো কে দেখবো কে এখন কোনোদিন তাইকে স্কুল তো যেতে পারতো না কোনোদিনও লজ্জায় এখন লজ্জায় তো কোনোদিন স্কুল যেতে পারতো না এখন এইগুলা তো কোনো মীমাংসা তো করতে হবে এসব মানে তার জীবন তো পুরা সর্বনাশ করে দিল এই তিনজন আসামিদের এটা চাইব আমি সরকারের কাছে বা প্রশাসন কাছে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার কাছেও ফাঁসি চাই আর মানে এখানে যতজন প্রোটেস্ট করার লেগেছে তারা সবাই চায় যে রেপিস গুলা মানে শুধু ফাঁসি নয় আর মেয়েদের দিকেও দেখতে হবে মেয়েদের দিকে
তার জীবন যাপনই তো দেখতে হবে আরো কেননা ওখানে তাই তখন স্টুডেন্ট ক্লাস নাইন পড়ুয়া একদম মেয়ে সেই তো সরকারও সরকার কাছে অনুরোধ করবো ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ অতন ভাই तो आई होप आप लोगों को अभी मतलब अब तक थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था एक्चुअली ये त्रिपुरा पे है पानीसागर जो जगह है पानीसागर में कुछ दिन पहले तीन चार दिन पहले तीन लड़के मिलके एक लड़की को रेप किया है जो कि लड़की का एज है 14 ईयर्स और अभी क्लास 9 पे पढ़ रही है वो तो उस लड़की का रेप किया गया है गैंग रेप तीन लोग मिलके लेकिन लड़की अभी भी सही सलामत है और रेपिस्ट जो है तीनों को अरेस्ट किया गया यहाँ पे तो आज कुछ सेक्शन उनके रेपिस के द्वारा मतलब रेपिस लोगों के लिए लागू किया गया है तो जितने भी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे सब लोग चाहते हैं कि रेपिस जो है उन लोगों को फांसी हो या फिर कुछ ना कुछ हो उन लोगों के लिए इंतज़ाम किया जाए सरकार की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से कोर्ट की तरफ से और जो लड़की है क्योंकि लड़की एक बार दाग लग गया तो बहुत मुश्किल है लड़की के लिए राइट तो लड़की भी बहुत प्रॉब्लम मतलब क्या कहते हैं उसे आप लोग समझ पा रहे हो ना कि अभी ये लड़की अगर स्कूल जाएगी तो उसके लिए प्रॉब्लम है मतलब समाज में लोग कैसे देखेंगे एक नाम तो बदनाम हो गया है ना तो इसलिए सब लोग यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ हो उनके लिए तो आप लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को पता चले और एक दिन ऐसा भी हो कि जितने भी मतलब रेपिस्ट है जो लोग रेप करते हैं उन लोगों के लिए एक नया कानून लागू किया जाए इस सरकार की तरफ से कि अगर कोई लड़का अगर रेप करता है तो उसके लिए ये कानून हो राइट तो इतना ही दोस्तों और क्या अपडेट मिलता है मैं देता रहूँगा अगर मिल जाए तो